दोस्तों भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसी इसरो की सफलता को देख हैरान है। मंगलयान हो या फिर कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया चंद्रयान 3, इसरो की ताकत को देख बड़े बड़े देशों ने सम्मान से सर झुका लिया है। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जो इसरो की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मून मिशन यानी चंद्रयान के साथ भारत के सन मिशन यानी सूर्यान का भी ऐलान कर दिया है। इसरो ने अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने वाला है। आदित्य का मतलब होता है सूर्य। भारत का सन मिशन आदित्य L1 लगभग उसी समय उड़ान भरने वाला है जब चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा। यानी इसरो अगस्त के अंत तक सूरज के वातावरण की स्टडी करके पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV रॉकेट पर अपना उपग्रह आदित्य L1 लॉन्च करेगा। यह भारत का पहला सोलर मिशन होगा। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट धरती से सूरज के बीच L1 ऑर्बिट पर रखा जाएगा। L1 का मतलब होता है लैरिंजियस पॉइंट। अंतरिक्ष में 5 लैरिंजियस पॉइंट हैं जिन्हें L1, L2, L3, L4, L5 कहा जाता है। लैरिंजियस पॉइंट असल में अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस है जहां पर कई उपग्रह तैनात किए जाते हैं। यानी भारत का सूर्यान धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित L1 पर तैनात किए जाएंगे। इसीलिए भारत की इस मिशन को आदित्य L1 कहा जा रहा है। दोस्तों अब तक सूरज पर अमेरिका, जर्मनी और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने कुल मिलाकर 22 मिशन भेजे हैं। सबसे ज़्यादा अमेरिका ने स्पेस एजेंसी नासा ने मिशन भेजे हैं। और नासा ने अपना पहला सूर्य मिशन पायोनियर 5 साल 1960 में भेजा था। जर्मनी ने अपना पहला सूर्य मिशन 1974 में भेजा था। और इसके अलावा यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भी नासा के साथ मिलकर अपना पहला सूर्य मिशन 1994 में भेजा था। और नासा ने साल 2001 में सन मिशन जेनेसिस लॉन्च किया था। इसका मकसद था कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल लेना। अमेरिका के जेनेसिस मिशन ने सफलता हासिल की थी, लेकिन जेनेसिस मिशन ने सौर हवाओं का सैंपल भी कलेक्ट कर लिया, लेकिन धरती पर आते वक्त उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों ने अधिकतर सैंपल कलेक्ट कर भी लिए। अब दुनिया की ताकतवर स्पेस एजेंसियों के साथ भारत का इसरो भी पहला सन मिशन भेज रहा है। नासा इसरो की हिम्मत की दाद दे रहा है और नासा चाहता है कि वह इसरो के साथ मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम भी करे। तो और कैसी लगी इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।